हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे टाइम पीरियड से रिलेटेड चार्ट कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सेक्शन 123 से 127। देखिए सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इंटरिम डिविडेंड। तो जब हम इंटरिम डिविडेंड देते हैं उसके रेट के ऊपर एक रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट कब होता है, अगर कंपनी का हुआ लॉस, जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो उसमें हुआ है लॉस, कब तक, अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो कहता है जो इंटरिम डिविडेंड का रेट है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड। जो एवरेज डिविडेंड कंपनी ने पे किया है पिछले 3 प्रसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर हम कह रहे हैं फेब है, फेब का मंथ है, तो फेब से पहले दिसंबर तक कितने आ गए, 3 क्वार्टर आ गए। तो इन 3 क्वार्टर में अगर लॉसेस रहता है तो इंटरिम डिविडेंड के रेट के ऊपर एक रिस्ट्रेंट है। तो रेट क्या लेना है, पिछले 3 प्रसीडिंग, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड दिया है उसका तीनों सालों का रेट ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3 कीजिए और उसका लीजिए एवरेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड में आ गया 3 साल। देन इसी के सेक्शन में 123 में सब सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ स्केड्यूल्ड बैंक, कि जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के भीतर भीतर आपको एक नया अकाउंट खुलवाना है, उसके अंदर पैसे डालने हैं। जैसे अगर पहली तारीख को डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है, राइट, सो फ्रॉम का मतलब ये भी होता है, जो फ्रॉम वाला वर्ड है वो वाली डेट हम क्या लेके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो डैट मीन्स कहने का मतलब है 6 तारीख तक, तो इसलिए आंसर क्या है, विदिन 5 दिन आप एक अलग से बैंक अकाउंट में वो पैसे डलवा दीजिए। लेकिन अगर आप 100% गवर्नमेंट कंपनी है, देखिए गवर्नमेंट कंपनी हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, जिस कंपनी के 51% शेयर सरकार के पास हो, लेकिन हम बात करें यहां पे 100% पेड अप कैपिटल अगर सरकार के पास है तो उनके ऊपर ये 5 दिन का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी पक्का याद रखें। देयर आफ्टर इसी सेक्शन में 123 में सब सेक्शन 1 में प्रोविजन्स हैं सेकंड एंड थर्ड रेड विद रूल नंबर 3, जहां हम ये पढ़ते हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, जिसका मतलब है या तो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या प्रॉफिट है ही नहीं, जिसे आप कह लीजिए लॉसेस, तो हम डिविडेंड दे सकते हैं कहां से, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कि ट्रांसफर टू क्या है, फ्री रिजर्व्स। तो वहां पे हम 3 लिमिट पढ़ा करते हैं रूल नंबर 3 के मुताबिक, उसमें से एक लिमिट हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड रेट आप कितना दे सकते हैं। अगेन वैसे जैसे इंटरिम में हम यहां पे बात कर रहे थे सेम वही है, पिछले 3 प्रसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड का एवरेज रेट से आप ज्यादा डिविडेंड दे नहीं सकते। लेकिन एक पक्का और ध्यान रखें, ये लिमिट नहीं लगती होती है ये एवरेज रेट वाली, अगर कंपनी ने पिछले 3 में से किसी साल भी डिविडेंड नहीं दिया हो। साथ में सेम वही पॉइंट है, अगर आप 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, मींस ये कंप्लायंस रूल नंबर 3 के आपको नहीं करने होते हैं। 124 सब सेक्शन 1 हमारा डील करता है यूडीए, स्टैंड्स फॉर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जैसे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमने कहा था 5 दिन के भीतर आप अलग से अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। अब लेकिन हुआ क्या, सेक्शन 127 में दरअसल हम ये पढ़ते हैं कि डिविडेंड आपने देना होता है 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिस दिन आपने डिक्लेयर किया 30 दिन के भीतर। तो हुआ क्या, अगर 30 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड या कह लीजिए नॉट क्लेम्ड, कि अगले ने लिया नहीं, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर नहीं लिया है तो नेक्स्ट 7 डेज में ट्रांसफर टू यूडीए अकाउंट विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, कि उस 30 दिन के अगले 7 दिन में अगेन बैंक में जाइए और एक अलग से फिर से खाता खुलवाइए जिसका नाम रखा जाएगा यूडीए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपको ये पैसे डालने पड़ेंगे। सबसेक्शन 2(7) में ये भी कहता है जैसे 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया आपने तो अगले 7 दिन में आपने यूडीए अकाउंट में पैसे डाले। साथ में ये भी कहता है जिस दिन आपने यूडीए में पैसे डाल दिए हैं उसके 90 दिन के भीतर भीतर 90 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी होती है अनपेड डिविडेंड से रिलेटेड, शेयर होल्डर से रिलेटेड, उसका नाम, एड्रेस, कितना डिविडेंड, कितने शेयर्स, उसे वेबसाइट के ऊपर डालना होता है ताकि वो वहां से देख करके क्लेम कर सके। तो 90 डेज है उससे रिलेटेड। 124 में सबसेक्शन 5 रेड विद रूल नंबर 5 किसका, ऑफ आईईपीएफ रूल्स 2016,
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड रूल से रिलेटेड। तो देखिए यूडीए में पैसा जो पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है 7 साल तक, इसलिए सबसेक्शन 5 कहता है ट्रांसफर टू आईईपीएफ, मतलब अगर यूडीए में पैसा पड़ा रहा 7 साल तक, आपने वहां से क्लेम नहीं किया तो वो जो पैसा विद इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आईईपीएफ में कर दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 7 साल कंप्लीट होने के 30 दिन के भीतर। तो इसलिए एक 7 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया और एक हो गया 30 दिन का। देन 127 का जिक्र, जैसे मैंने पहले कहा था कि भैया डिविडेंड आपने देना होता है जैसे आपने डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के भीतर भीतर, नहीं दोगे तो देखिए पनिशमेंट भी है, उससे रिलेटेड भी एक टाइम पीरियड आ जाता है कि जो डायरेक्टर अवेयर है, जिसको पता है इस चीज का, तो उसको मैक्सिमम जेल हो सकती है 2 साल की एंड फाइन लगेगा कम से कम 1000 रुपए आपको पर डे का, और कंपनी को भी डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट देना है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो यहां पे भी आप 2 टाइम पीरियड कंसिडर कर सकते हैं, एक जेल वाला भी यहां पे आ जाता है, मैक्सिमम 2 साल वाला, राइट। तो इसके साथ ये थी टाइम पीरियड चार्ट, यहां पे मेरी तरफ से होती है समाप्त। तो देखिए ये चार्ट्स आपके लिए पेपर से पहले काफी हैंडी हो जाते हैं कि कम से कम टाइम पीरियड आपको एक जगह से फटाफट देखना हो, रिवाइज करना हो, रिकॉल करना हो, इट विल हेल्प यू। तो ये अगर आपको चार्ट वगैरह भी चाहिए हो तो आप मेरे को इस मेरे फोन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आई विल सेंड यू आल्सो। थैंक यू।